ये सभी लोग एक मौत के कमरे में फंस चुके हैं, जहां से निकलने के लिए इनको 2 मिनट में स्वर्ग या नर्क के गेट से बाहर निकलना होगा, नहीं तो जहरीली गैस से मारे जाएंगे। एक लड़की स्वर्ग का गेट चुनकर लेजर लाइट से मरकर स्वर्ग पहुंच जाती है, और फिर ये लड़की नर्क के गेट से दूसरे कमरे में आ जाती है। यहाँ पर भी 2 दरवाजे थे, पर आरसू बहुत बड़ा गेमर है, इसलिए वो मेरी तरह अपने जीनियस दिमाग से सारे पजल सॉल्व करके सभी लोगों को मौत के 6 दरवाजों से जिंदा बाहर निकाल लेता है। पर इनके दोस्त 4th का पैर जल जाता है। गेम जीतने पर सभी को 3 दिन का लाइफ वीजा मिलता है, मतलब इनको जिंदा रहने के लिए फिर से गेम खेलकर जीतना होगा, नहीं तो इन सभी को लेजर से मार दिया जाएगा, जैसे इस आदमी को उसका वीजा खत्म होने पर मार दिया गया। इसके बाद शहर में जितने भी लोगों का वीजा खत्म हो गया था, उन सभी को लेजर लाइट से मारा जा रहा था। रात में इस लड़की को मजबूरी में बताना पड़ता है कि मैं इस गेम में 3 दिन पहले आई थी और मैंने अपनी जान बचाने के लिए टीम के सभी लोगों को मार दिया, मतलब जरूरत पड़ने पर ये इनको भी मार सकती है। अगले दिन 4th घायल था, इसलिए ये दोनों गेम खेलने पहुंच जाते हैं ताकि वीजा की लाइफ बढ़ाकर जिंदा रह सके। इस बार का खेल पहले से बहुत खतरनाक होने वाला है। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सर्वाइवल कोरियन वेब सीरीज है, जिसमें शहर के लोगों को जिंदा रहने के लिए मौत का खेल खेलना पड़ता है, जिसमें हारने वाले खिलाड़ियों को मार दिया जाता है और जो गेम नहीं खेलता उनको भी मार दिया जाता है। इस वेब सीरीज को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली हुई है, जिसका पहला सीजन 2020 में और दूसरा सीजन 2022 में रिलीज हुआ था, जिसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। दोस्तों, यदि आपको मूवी की कहानी पसंद आई हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप ऐसी ही अमेजिंग मूवी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं।